आज देखेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर ए। इसमें दिया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब px हमें बहुपद दे रखा है और gx भी है कोई बहुपद। ठीक है, तो px में gx से हमें भाग देना है और उसका भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना है कि कितना आ रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स जो है आपका x² माइनस 2। ठीक है, तो पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को भाग देना है जी एक्स x² माइनस 2 से। ठीक है, तो देखिए इसका भाग कैसे दिया जाता है। पहले हमने देखा था, जैसे पहले इसमें क्या पहले पद को बाएं से पहले पद और इसमें भी बाएं तरफ से पहले पद को देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या x पर पावर कितना है, 3 है। ठीक है, पहले पद को देखना है, दोनों के पहले पहले पद को बाएं तरफ से। ठीक है, तो इसका पावर कितना है, 3 है और इसमें पावर कितना है, 2 है। तो अब सोचना ये है कि हम कितना से गुणा करें कि इसका पावर 3 हो जाए। ठीक है, सिर्फ पहले को देखना है, पहले पद को, दूसरे को छोड़ दीजिए, दूसरे को अपने आप करेंगे जितना आएगा उतना लिखते चलेंगे। ठीक है, बस पहले पद को देखना है, तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो फिर अब सोचना है कि कितना से गुणा करेंगे क्यू आ जाए। ठीक है, तो देखेंगे तो एक्स एक्स से जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे पहले है और एक्स से करेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स क्यू। ठीक है, फिर एक्स का माइनस 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस में 2x। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंबल जो चिन्ह होता है उसका चेंज कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस में था तो इसके नीचे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे प्लस था, क्योंकि प्लस प्लस में किया है तो प्लस ही होगा, तो जब प्लस प्लस में था तो इसका सिंबल चेंज हो गया तो माइनस हो गया, और जब माइनस हुआ तो प्लस और माइनस कट गया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देखिए, इसका भी चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस होकर प्लस में हो जाएगा ये। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी भी जब ऐसे बहुपद दिया हो तो पहले हम उसे बढ़ते घात से छोटे क्रम के घात के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2x प्लस में बच गया। ठीक है, लेकिन 2x पे घात जो है सिर्फ 1 है और इस घात से पहले हमें ऑलरेडी 2 घात वाला ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो हम पहले उसे उतारेंगे तो हो जाएगा 3x² और यहाँ पर आपका हो गया प्लस में 2x। ठीक है, अब फिर देखेंगे पहले पद को, इसमें का पहले पद और इसमें का पहला पद। ठीक है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है, तो यानी कि हमें चर संख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3 है और यहाँ पे 1 है, तो फिर सोचें कि किससे गुणा करें तो हो जाए, तो 3 से अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चिन्ह है किसमें है, माइनस में, तो यानी कि जो से हम गुणा करेंगे वो क्या होगा, माइनस में होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे माइनस 3। तो जब 3 का एक्स में करेंगे तो हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो आपका हो गया माइनस 3x². अब फिर देखिए 3 से जब गुणा करेंगे 2 में, ठीक है, तो माइनस माइनस, तो 3 दुना 6, तो माइनस में आपका आपका 6। ठीक है, फिर आप इसका सिंबल चेंज करेंगे। ठीक है, जब सिंबल चेंज करेंगे तो हो गया आपका प्लस और प्लस हो गया तो कट गया। फिर यहाँ पे देखिए, तो हमने बताया कि जो चर एक घात के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस में 2x बचा और यहाँ पे प्लस में 5x बचा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x और इसका सिर्फ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, प्लस था ना, और इसका जब सिंबल चेंज किए थे यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया था। ठीक है, और माइनस जब हो गया तब यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ये माइनस में 6 है और माइनस में 3 है, तो जब माइनस माइनस दोनों जुटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 9। ठीक है, यानी कि इस तरह से जब आप लोग हमने भाग दिए तो इतना शेषफल बचा। ठीक है, तो भागफल आपका हो गया, भागफल
बराबर एक्स माइनस तीन, और आपका शेषफल हो गया सेवन एक्स माइनस नौ। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्यों भाग नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे जो जिससे हमें भाग देना है उसका पावर क्या है, दो है, पावर क्या है, दो है, और यहाँ पे हमें देखिए पावर क्या है, सिर्फ एक ही है। अगर यहाँ पे पावर दो होता तो फिर हम भाग देते, लेकिन नहीं, यहाँ पे पावर सिर्फ एक है और यहाँ पे पावर दो है, इसलिए हम भाग नहीं देंगे, इतना आपका क्या होगा, शेष फल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है पी एक्स बराबर, ठीक है, पी एक्स दे रखा है एक्स पर पावर चार माइनस तीन एक्स पर पावर दो प्लस फोर एक्स प्लस पाँच। ठीक है, तो जब जी एक्स से हमें भाग देंगे तो पहले देखते हैं पी एक्स क्या दिया है, पी एक्स आपका दे रखा है एक्स पर पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए हम इसे कभी भी जब घात भाग देने से पहले हम इसे अरेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले बढ़ते क्रम से घटते क्रम के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। अब भाग देते हैं, फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पर पावर फोर है, तो फिर सोचें कि कितना चेन गुणा करें कि एक्स पर पावर फोर हो जाए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स पर पावर फोर, देखिए प्लस 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 ही है तो इसके नीचे सिंबल चेंज करेंगे माइनस, फिर एक्स है और एक्स से गुणा करेंगे, फिर तो आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स का पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस एक्स का क्यू, फिर प्लस है तो फिर इसका गुणा करेंगे एक में तो हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, तो देखिए फिर सिंबल इसका चेंज करेंगे, पहले इसका चेंज हुआ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स पावर एक्स पावर फोर कट गया। तो फिर लिखने से पहले हम देखेंगे बड़े और घात वाले को लिखेंगे पहले, तो बड़ा घात वाला कौन है, एक्स पर पावर तीन है तो पहले इसे लिखेंगे, तो एक्स पर पावर तीन कितना है, नीचे सिंबल चेंज हुआ तो प्लस हो गया तो लिखेंगे एक्स का पावर तीन, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले को देखेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाले देखेंगे यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे भी माइनस है तो एक एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर तो हो गया आपका माइनस में फोर एक्स स्क्वायर। फिर अब देखेंगे एक्स क्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि, और यहाँ पे लिखिए प्लस है, ये भी प्लस है तो यानी कि प्लस से लेंगे तो फिर प्लस में एक्स लिखेंगे, तो जब एक्स लिखेंगे तो एक्स का हो गया आपका क्यू, प्लस में है तो सिंबल चेंज कर देंगे माइनस, फिर एक्स का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक में जब करेंगे तो आपका हो गया एक्स, फिर सिंबल चेंज करेंगे तो इसके तो प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस हुआ, ये प्लस है तो माइनस, तो एक्स से एक्स कट गया। फिर देखते हैं यहाँ पे तो प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस में फोर एक्स स्क्वायर है तो एक घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में थ्री, माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस में एक्स है और यहाँ पर क्या है प्लस में फोर एक्स है तो फोर एक्स में से एक एक्स वन एक्स घट जाएगा तो आपका हो गया प्लस में थ्री एक्स, थ्री एक्स और प्लस लास्ट में पाँच बचा है तो पाँच निकाल देंगे, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो हमें यानी कि चार संख्या से तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, चार से हमें नहीं करना है, यानी कि अब अंक देखेंगे, अंक देखेंगे तो यहाँ पे एक है कुछ नहीं है तो एक है और यहाँ पे तीन है तो यानी कि तीन से गुणा करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो माइनस में तीन तो हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो माइनस है तो सिंबल चेंज करेंगे प्लस हो गया एक कट गया। अब देखिए माइनस तीन का जब एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस में आपका हो गया थ्री एक्स और सिंबल फिर चेंज चेंज करेंगे तो हो गया माइनस तो इस तरह से थ्री एक्स भी कट गया। अब फिर माइनस तीन का प्लस एक में करेंगे तो तीन एकम तीन और माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस में तीन और फिर इसका जब चेंज माइनस है तो इसका सिंबल चेंज करेंगे तो हो गया प्लस तो इस तरह से देखिए पाँच और तीन जोड़ेंगे तो आठ यानी कि आपका भागफल जो है
भागफल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस थ्री और शेषफल है आपका 8। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में दिया है, मतलब पहले का तीसरा दिया पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को भाग देना है जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और भाग देना है 2 माइनस एक्स। तो पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस 2 एक्स स्क्वायर से भाग नहीं दीजिएगा, क्योंकि कभी भी हमें इसके घात को अरेंज करना है, घात के हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बड़ा वाला घात लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले बड़ा वाला घात क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 है तो प्लस 2। अब भाग देंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर से मत दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घात उलट कर दिया। ठीक है, पहले कम घात दिया और बाद में अधिक वाला, लेकिन यहाँ पे जब भी हम भाग देंगे तो पहले अधिक वाले घात को लिखेंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, जैसे घात दिया जाएगा उसके हिसाब से अरेंज करके तब भाग देंगे। ठीक है, आइए भाग लेते हैं, यहाँ पे एक्स पर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कितना यानी कि एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यानी कि माइनस है तो हमें माइनस भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में आपका एक्स पर पावर 4। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से 2 में पूरा करेंगे तब क्या हो गया माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, और जब उसका सिंबल चेंज करेंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो इस तरह से ये कट गया। अब इसके बाद देखिए प्लस में 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में 5 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स है केवल, अगर ये 5 एक्स स्क्वायर होता तब तो इसको यहीं पर जोड़ घटा देते, लेकिन नहीं, यहाँ पे यहाँ पे देखिए 5x है, इस पर एक ही घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो पहले 2 घात वाले लिखेंगे तो प्लस में है तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस, फिर उसके कम वाले घात को लिखेंगे तो माइनस में 5x प्लस 6 ऊपर बच गया है तो 6 भी लिख देंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो x यानी कि हमें किसी चर की तो आवश्यकता है नहीं, अब बचा कौन अंक, तो अंक को देखेंगे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, तो पहले 2 से देंगे 2, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है माइनस है और तो यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए माइनस है तो पहले माइनस लगाएंगे, तो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब 2 का करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर देखिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस जब गुणा करेंगे पहले देखिए 2 दुना 4 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो हो गया आपका माइनस में 4, फिर माइनस कर देंगे इसका चेंज करेंगे सिंबल तो कट गया। फिर यहाँ पे देखिए पहले 5x है ना, तो पहले 5x को लिखेंगे बाद में 4x, तो 5x और 5x किसमें है माइनस में तो माइनस, उसके बाद आप देखिए प्लस 4 भी है और यहाँ पे प्लस 6 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 4 और प्लस 6 कितना हो गया प्लस में 10। ठीक है, 6 4 10। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस में 5x आ गया, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम भाग देते, क्योंकि यहाँ पे जिससे भाग देना उसमें स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर मतलब पावर 2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम भाग नहीं देंगे, तो यानी कि आपका हो जाएगा भागफल भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और आपका शेषफल हो गया बराबर माइनस 5x प्लस 10। तो इस तरह से हम लोग भाग आसानी से दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।